हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज एंड ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों, मैं जिस लोकेशन पे हूँ, इस लोकेशन पे शाम को भी आए थे। अभी तो लगभग 8 बज रहा है, ज़्यादा रात नहीं हुआ है, मगर जब शाम को यहाँ से निकल रहे थे उस टाइम पे कह दूँ तो लगभग 3-4 के आसपास टाइम हो रहा था। 3:30-4 बजे के आसपास जब यहाँ से गुजर रहे थे तो ये मुझे दिखा था, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि उस टाइम पे यहाँ पे क्या चल रहा था और अभी क्या चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सक रहे होंगे, ये तो एक्चुअली चड़क का ही प्रोग्राम है। ये चैत्र के महीने में जो बंगाली न्यू ईयर होता है, नॉर्मली उस टाइम पे देखे हैं। आपको लास्ट ईयर भी दिखाया था, बहुत सारा वीडियोस है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो घूम रहा है बंदा और ये ऊपर से बतासा फेंकता है और लोग उसको प्रसाद के हिसाब से लेते हैं। कई लोगों के पास देख पा रहे होंगे, ये बंदा भी अभी मेरे सामने ये खा रहा है और ये अभी जो घूम रहा था उसको उतार लिया जा रहा है। वो उतरेगा फिर दूसरा कोई उसके जगह पे फिर घूमेगा। यहाँ पे क्या चल रहा है देखिए। मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, दीदी भी है, जा रहे थे कुल्लिया तो उस टाइम पे वो नज़ारा देख पा रहे थे। तो उस टाइम पे भी प्रिपरेशन चल रहा था। आज तो आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है। तो ऊपर में आपको भगवा झंडा दिख रहा होगा और नीचे में ये यहाँ पे बंदा जो है वहाँ पे बांधा जाता है और फिर उसको घुमाया जाता है। मेला बैठा हुआ है, अच्छा खासा मेला भी बैठ गया यहाँ पे। और ये लास्ट ईयर मैं देखा हूँ कि नहीं यहाँ पे, मुझे याद नहीं है, बट अगर नोटिस करता तो ज़रूर वीडियो बनाया होता। पर इस लोकेशन पे तो नहीं देखे थे, वो दूसरे लोकेशन पे देखे थे। इस लोकेशन पे तो ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। लोगों का तो बहुत ज़्यादा भीड़ है लोग यहाँ पे। फ़ोन पे भी डायरेक्शन दिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है लोगों को कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। देखिए ये दोबारा दूसरा बंदा बन चुका है और फिर से ये घुमाने का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे खास किस लिए होता है ये मुझे नहीं पता है एक्चुअली, बट हो रहा है तो अटेंड करने तो आ गए हैं और आपको दिखाने के लिए नज़ारा। यहाँ पे देखिए वो कंधा पे बैठा के लाया जा रहा है बंदे को, शायद वही नेक्स्ट बंदा होगा। देखिए कंधा पे आ रहा है, प्रणाम भी कर रहा है, तो नेक्स्ट बंदा यही होने वाला है। ये मैं नज़दीक जाता हूँ आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। पहले तो किया जाता था, देखिए ब्लड तो है में। पहले नहीं, अभी भी होता है वही चीज़, सिर्फ पहले नहीं हुआ करता था। मुझे लगा था कि शायद पहले वाला ये ट्रेडिशन अब बंद हो गया होगा, मगर नहीं, ये तो क्योंकि बहुत दिन पहले बाद में यहाँ पे नज़दीक से देख रहा हूँ, उसके समझ में आ रहा है। इसलिए ये गमछों का भी बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। गमछा यूज़ किया जा रहा है टाई करने के लिए, ये देख पा रहे होंगे, ये अच्छा खासा। अरे यार, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। थोड़ा नज़दीक से व्यू देता हूँ, अब उसी में ये गमछा को सपोर्ट दिया जा रहा है और फिर घुमाया जाएगा। नहीं, वहाँ से नहीं दिखेगा, तो यहीं से मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए पूरा स्किन के अंदर डाला हुआ है पिन। क्यों होता है मुझे नहीं पता, यहाँ तो लोगों का पूरा जनरेशन भी तैयार होता है इसमें, नेक्स्ट जनरेशन। एक्चुअली मेरा ही हट जाते हैं यहाँ से, अब ये घुमाने वाला है निकल जाते हैं।
बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के फिर आपको दिखाते हैं यहाँ से, यहीं से नज़ारा को देखते हैं। पीठ में जो पिन दिख रहा था आपको वहाँ पे डाला हुआ, ये बहुत टाइम पे बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो जाता है, क्योंकि कई बार सुनने को मिलता है कि चरक में घुमाते हुए एक्सीडेंट हो गया, बंदा गिर गया। ठीक से अगर नहीं बंधा हुआ होता है, गमछा का सपोर्ट नहीं होता है, तो फिर स्किन फटने का भी डर रहता है। भाई जिगरा चाहिए सबसे, हो नहीं होता नहीं है ये, सबके बस की बात नहीं है। और ये जो आप अभी देख रहे हैं वो है कि वहाँ पे कोई बंदा चढ़ेगा और उसको नीचे की तरफ पुल करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो बंदा बंधा हुआ है, जहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बांधा जा रहा है, वो उठेगा। ये बच्चा देख लीजिए, ये मेला बैठा है तो बच्चा भी इंजॉय करेगा, ये इंजॉय चल रहा है बच्चों का। और ये देखिए, उनको लगा घुमाने वाला है मगर नहीं, ये मानसिक होगा। दो बच्चे हैं, दो बच्चों को गोद में लेके वो घूम रहा है शायद, तो उसके पेरेंट्स या घर वाले कोई मानसिक किए होंगे, तो वो मानसिक को पूरा कर रहे हैं इस तरीके से। और उसके बाद फिर हो सकता है बच्चे को उतार के, या क्या पता शायद बच्चे को कोई एक बच्चा को लेके भी शायद घूमें, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक बार मैं देखा हूँ। तो लग तो नहीं रहा है कि बच्चे चले गए हैं दूसरे गोद में, शायद अब ये भी बाकी है। एक दूसरा बच्चा भी है उसको, ये बड़ा बच्चा है तो उसको गोद में उठाने का तो जरूरत ही नहीं है, वो बस हाथ पकड़े हुए है, हाथ पकड़ के जो गोद घूमेगा। चलो जब तक घूम रहा है तब तक आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बस वेट कर रहे हैं कि जो उनको उठाया जाता है वो, ये देख लीजिए बंदा उठा लिया गया है कंधे पे, और यहाँ से सीधा वो जो ऑपोजिट डिरेक्शन में उसको पुल करेंगे तो ये बंदा एकदम हवा में आ जाएगा, पूरी हवा में आ गया। अभी फिलहाल तो वो रस्सी पकड़ा हुआ है क्योंकि शायद उसको सपोर्ट चाहिए होगा, और वो बतासा भी गिराना चालू कर दिया जो सभी प्रसाद के हिसाब से उठाते हैं, और प्रसाद के हिसाब से वाकई जिगरा चाहिए। ये क्या, ये दोनों हाथ छोड़ दिया हवा में, कुछ नुकसान ना हो, ऊपर वाले के हाथ में ही है सब कुछ, ऊपर वाले जो उनका मर्जी होता है वही होता है, टाइप ऑफ कलाकारी है। चलिए ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा फिलहाल, तो निकलते हैं यहाँ से, प्रोग्राम तो अभी लंबा चलेगा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।